हो जाएगा ना। से नहीं किया डायरेक्ट लाइन तो गुड इवनिंग, आज हम लोग अपने इस ईवीएस पेडागोजी की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने पिछली कल की क्लास आपने देखा होगा। तो कल की क्लास में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक पढ़ा था हमने परिवार, दूसरा पढ़ा था हमने बाल विवाह। आज हम उसी का एक आगे पढ़ेंगे कि बाल विवाह के बाद किस प्रकार से हम लोग दहेज प्रथा के बारे में कैसे कैसे हम लोग लेन देन करते हैं। जैसे कल मैंने बताया था आपको कि बाल विवाह में लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। वैसी दहेज प्रथा में अब लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ऐसा माना जाता है कि लड़कियां कभी दहेज नहीं लेती, दहेज कौन लेता आपके, ये हमारे लड़के लोग। अब लड़कियों का दहेज मांगने का एक्चुअल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, उन लोग का अलग तरीका है मांगने का कि हमें हैंडसम हस्बैंड चाहिए, परिवार अच्छा होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए, लड़का सरकारी जॉब में होना चाहिए। ये मांगेगी नहीं, ये डिमांड रखते हैं और वो डिमांड अपने मम्मी पापा से रखते हैं। तो एक प्रकार से वो भी तो आखिर दहेज हुआ। लेकिन नहीं, दहेज प्रथा में जो विक्टिम बनता वो कौन बनता, आपके लड़के। ओके, अब लड़के लोग क्या है, मुंह खोल करके मांग देते हैं, इसी कारण इसे दहेज प्रथा लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले ये चेक कर लेता हूं कि ऑनलाइन वालों क्लास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गुड इवनिंग विष्णु कश्यप, ओके, मतलब आवाज आ रही है। चलो स्टार्ट करते दहेज प्रथा। वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष से विवाह के अवसर पर जो अनावश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए जो चल एवं अचल संपत्ति ली जाती है उसे ही दहेज कहा जाता है। जब हम शादी में जाते हैं तो देखना एक लड़की के माता पिता की सोच क्या रहती है कि जब वो अपनी लड़की को बिहाता है तो वो ये चाहते हैं कि मेरी लड़की जिस घर में भी जा रही है वो उस घर में जाकर खुश रहे, और जिसके कारण वो अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजना चाहते, और खाली हाथ नहीं भेजने के कारण वो उन्हें कुछ देते हैं, सोना चांदी बर्तन कैश गाड़ी एसी फ्रिज ये सब चीज उन्हें दिया जाता है। और लड़की पक्ष वाले क्या करते हैं, उन्हें शो ऑफ करते हैं कि जब वह उनके यहां शादी हो रही है और रिसेप्शन हो रहा है तो उसको बाहर में सजा कर रखेंगे कि ये हमने दिया है। वो तो ठीक है, लेकिन जो उस शादी में आते हैं उनकी मनोधारणा क्या रहती है कि ये लड़कों के द्वारा मंगा गया क्या है, आपका दहेज। लड़के ने मांगा नहीं है लेकिन लड़की के माता पिता ने अपनी लड़की को खुशी से दिया है, तो जो खुशी से दिया जाता है वो दान कहलाता है। लेकिन उसी शादी के दौरान यदि कोई ऐसा बदमाश लड़का है जो सामने से अपने ससुराल से कुछ मांगे कि मुझे कार चाहिए, लड़की पक्ष में माता पिता जो रहते हैं वो लोग जरूर पूछते हैं लड़कों से कि आपको बेटा क्या चाहिए, तो लड़के लोग अगर मुंह खोल दिए और उन्हें वो चीज नहीं मिली तो वो दहेज प्रथा का केस बनता है। अगर मिल जाती है तो दहेज नहीं कहलाता, दान हो जाता है। भाई यही कॉन्सेप्ट को बदलना है कि यदि लड़की पक्ष को अपनी लड़की को कुछ देना हो तो स्वेच्छानुसार दे, उसको दुनिया को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और लड़कों मुझे भी पता है कि जब वो लड़की आएगी तो अपने साथ कुछ लेकर आती है, नहीं भी लाएगी तो मांगने की आवश्यकता नहीं है, और लाई तो स्वेच्छा से उसको ग्रहण कर लेना। अगला होता है दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। अगर मांगोगे तब जो महिलाओं के साथ होने वाले मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाओं को बढ़ावा देता है। अगर आप
ऐसी लड़की से शादी करते हो जो एकदम गरीब है, लेकिन आपकी ये उम्मीद रहती है कि मैं शादी करने के बाद मुझे बाइक मिले, मुझे कार मिले, या मुझे कैश सोना मिले, और आपको नहीं मिलता, तो आप मेंटली थोड़ा सा क्या हो जाते हो, थोड़ा सा खसक जाते हो। फिर उस महिला के ऊपर आप प्रताड़ित करते हो, उस महिला को प्रताड़ित करते हो, और वही प्रताड़ना इस दहेज प्रथा के बढ़ावा देने के काम आता है। दूसरी बात, ये बढ़ावा देने वाले घर वाले भी रहते हैं, वही आपको बार बार कोचकते हैं, और खासकर लड़की की माँ को, सॉरी लड़के की माँ को, कि क्या लाई आपकी बहू, खाली हाथ लाई, बस इतना ही सोना लाई। फिर जो लड़के की माँ रहती है वो अपनी बहू को प्रताड़ित करती है कि तेरे माता पिता ने तो हमें कुछ नहीं दिया। यही सब चीज दहेज प्रथा को बढ़ावा देने का रीजन होता है। कानूनी प्रावधान क्या किया गया, दहेज प्रताड़ना अधिनियम आया था 1961 में, जिसको मंजूरी मिली थी 20 मई 1961 को। 1961 में आया और मंजूरी मिल गई थी 20 मई को, जिसमें भारत में लागू कब हुआ, तो 1 जुलाई 1961 में, सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर। और जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ, तो आपका 31 अक्टूबर 2019, अभी 4-5 साल पहले, 31 अक्टूबर 2019। इसमें अपराध की प्रकृति कैसी रहती है, या तो संघीय गैर जमानती अपराध, यदि आप उस महिला को मानसिक प्रताड़ना देते हो या शारीरिक प्रताड़ना देते हो। मानसिक प्रताड़ना मतलब बार बार उस महिला को प्रताड़ित करना, बोलकर कि आप कुछ नहीं लाए हो, तेरे घर वालों ने कुछ नहीं दिया। एक हाथ बार बोले मजाक में बात अलग होती है, लेकिन बार बार उसी चीज को रिपीट करना, ये मानसिक प्रताड़ना होती है। शारीरिक प्रताड़ना अर्थात उनके साथ आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो। तो अगर आप ऐसा करते हो तो उस घर वालों को 5 वर्ष की सजा या 15,000 का जुर्माना या दोनों, ये 3 सजा का प्रावधान है। या तो 5 साल की सजा होगी, या तो 15,000 का जुर्माना, या दोनों। अब ये डिपेंड करता है कि वो सरकार, सॉरी वो जज के द्वारा, कि वो सामने वाले उस परिवार वालों को क्या सजा देना चाहते हैं। अगला होता है आईपीसी की धारा। आईपीसी मतलब होता है इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता। वेरी गुड इवनिंग। भारतीय दंड संहिता 1860 की कुछ धाराएं हैं, उन धाराओं को याद करना है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A में क्या कहा गया है, यदि आप किसी महिला को बार बार उत्पीड़न करते हैं, उसे प्रताड़ित करते हो, तो आपको 3 वर्ष की सजा होगी। 498 की धारा ए में बार बार उत्पीड़न करने से आपकी सजा कितनी हो जाएगी, 3 साल की। अगला 304B, 7 वर्षों के मध्य यदि महिला की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के किसी भी मनुष्य को 7 वर्ष की सजा। अब इसको ध्यान से समझना, एक ऐसा परिवार है जहां पर उस महिला के ससुराल वालों ने उस महिला को प्रताड़ित किया, नो डाउट ये पहले जमाने की महिला है, आपकी अभी की नहीं। तो जब प्रताड़ित होती है वो महिला, वो क्या करती है, पुलिस केस में जब रिपोर्ट दर्ज कराने जाती है, तो नो डाउट वो महिला अपने घर वालों, अपने माता पिता को बताएगी। फिर वो महिला के जो घर वाले हैं, माता पिता, और जो वर पक्ष के जो माता पिता है, दोनों कहीं बाहर मिलेंगे, थोड़ा बैठक होगी, और बैठक में आपसी समन्वय, आपसी बातचीत करके उस मैटर को वही दबा दिया जाता है। यदि बार बार उत्पीड़न हो रहा है तो 3 साल सजा। मान लो केस हो गया दर्ज, उसके बाद केस वापसी हो गई, ध्यान समझना भाई आराम से, बार बार उत्पीड़न हो रहा है तो 3 साल की सजा होगी। अब उस महिला ने रिपोर्ट दर्ज कर दी है और कुछ महीनों के बाद रिपोर्ट को वापस ले ली और वापस अपने घर चल दी। अब जिस तारीख से उसने रिपोर्ट दर्ज की थी, उस तारीख से यदि 7 वर्ष के भीतर अगर उस महिला की मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार के मनुष्य को कितनी वर्ष की सजा मिलेगी, 7 वर्ष की। 7 साल के भीतर में मृत्यु होगी, 7 साल की सजा। अब किसी के मन में यह डाउट आएगा, सर अगर उसी 7 वर्षों के बीच में
अगर उसकी सामान्य परिस्थिति में अगर मृत्यु होती है, बिना मारपीट के सामान्य परिस्थिति में हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, तो उस कंडीशन में भी तो ये लागू हो सकता है? नहीं, जब सामान्य परिस्थिति में मृत्यु होती है ना, तो दोस्त प्रॉपर तरीके से पोस्टमार्टम होता है, प्रॉपर तरीके से मृत्यु कैसी हुई है उसकी जांच होती है। तब जांच पड़ताल के बाद जो रिपोर्ट आती है, अगर वो सामान्य मृत्यु है तो कोई केस नहीं बनता, अगर वो प्रताड़ना के चलते में यदि मृत्यु होती है तो उसे कितने वर्ष की सजा होगी? 7 साल की सजा। अगला होता है धारा 406, यदि ये दोनों कंडीशन, बार बार उत्पीड़न 3 साल, 7 साल के भीतर मृत्यु 7 साल, यदि उसके बाद उस महिला और पुरुष के मध्य क्या हो गया, तलाक हो गई, जब बार बार आप प्रताड़ित करोगे, चाहे मानसिक प्रताड़ना या शारीरिक प्रताड़ना, यदि तलाक हो जाता है तो तलाक की स्थिति में जो वधू पक्ष के द्वारा वर पक्ष को कुछ भी दिया गया होगा, चल या अचल संपत्ति, यदि उस चल अचल संपत्ति को यदि नहीं लौटाया जाता है और उसका उल्लंघन किया जाता है तो भी कितने साल की सजा होगी? 3 साल की सजा। दहेज प्रथा में केवल ये 2 स्लाइड को ही हमें याद करना है। शुरुआती में हमने देखा ये बेसिक इंफॉर्मेशन, कब कानूनी प्रावधान आया, डेफिनेशन नहीं पूछेगा लेकिन एक कानूनी प्रावधान पूछ सकता है। उसके बाद ये क्या क्या उसके खिलाफ सजा का प्रावधान। अगला जो टॉपिक है बाल, देखो परिवार हुआ, बाल विवाह हुआ और दहेज प्रथा हुआ। अब जब दहेज प्रथा हो गया उसके बाद चलेंगे अपन लोग बाल श्रम। बाल श्रम के बारे में थोड़ा बहुत अपने को जानकारी होगी, नहीं होगी तो अपन दे देते हैं। बाल श्रम मतलब सरकार के द्वारा जो आयु तय की गई है बच्चों के लिए, अगर उस निर्धारित आयु से कम आयु के बच्चे यदि उन्हें कार्य करवाया है तो इसके अंतर्गत आएगा, बाल श्रम के अंतर्गत आएगा। अनुच्छेद, यहां पर एक चीज मिसिंग है, मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर सको। अनुच्छेद 24 में या आर्टिकल 24 में एक बात कही गई है कि यदि कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यदि कार्य करवाया जाता है तो वो बाल निषेध अधिनियम के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद किसमें? आपका 24 में। एक होता है कारखाना अधिनियम 1948, एक होता है खान अधिनियम 1952। कारखाना मतलब होता है उद्योग में कार्य करवाने वाले, और खान मतलब होता है जो आपके जहां पर खुदाई होती है खान, वहां पर अगर आप कार्य करवाते हो तो कारखाना अधिनियम के अंतर्गत यह कहा जाता है कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे नहीं होने चाहिए कारखानों में, और जो खान अधिनियम कहता है वो वहां बोला जाता है 18 वर्ष से आयु नहीं होनी चाहिए। मतलब इन जो प्रॉपर तरीका जो ईयर लिखा है ना, ये याद रखना है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, कारखाना अधिनियम में 15 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए, और खान अधिनियम में आपका 18 वर्ष। अनुच्छेद 24 संविधान में उल्लेख है, कारखाना अधिनियम 1948 में है और खान अधिनियम 1952 में है। छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको मैं सार के तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाल श्रम का आखिर कारण क्या है, क्यों बाल श्रम इतना बढ़ते जा रहा है? सबसे पहला कारण है जनसंख्या में वृद्धि। एक ऐसा गरीब परिवार जहां पर जनसंख्या भगाभग बढ़े पड़ी है तो भाई उन छोटे बच्चों को पालना पोसना पड़ेगा, पेट भरना पड़ेगा, और उस परिवार में केवल एक ही सदस्य है जो आपके कमाऊ है, तो वो परिवार के जो माता पिता रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को शुरुआत से ही आपका काम करवाने भेज देते, जा बेटा कमा करा। अब वो चाहे वो भीख मांगे, चाहे चोरी करे, चाहे किसी के यहां आपका जॉब करे, वो सब बाल श्रम के कारण के अंतर्गत आएगा। का जनसंख्या वृद्धि। अगला होता है बेरोजगारी। बेरोजगारी दर इतनी ज्यादा बढ़ जा रही है कि लोगों को रोजगार नहीं, अरे पढ़े लिखों को रोजगार नहीं मिल रहा है यहां पर, अब तो ये छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। अगला होता है गरीबी, यही है जनसंख्या वृद्धि में आपका गरीबी कारण। दूसरा सस्ता श्रम, इसको चीज को समझ, ये 3 चीज तो आप लोग कभी ना कभी सुने होंगे इसलिए उसको ज्यादा नहीं डिटेलिंग कर रहा हूं, ये वो कारण है। लेकिन ये सस्ता श्रम क्या होता है, एक जस्ट इमेजिन करो कि 2 लड़के हैं, एक ग्रेजुएट है और एक आपका 8वीं पास भी नहीं है,
अब जो आठवीं पास नहीं है, मतलब किसी कारण से आपका आगे अपनी स्कूली शिक्षा कंप्लीट नहीं कर पाया होगा, मतलब गरीबी के कारण। दूसरा, वो छोटा सा बच्चा है, जब आप उसको काम करते हुए देखोगे ना किसी भी ठेले में, किसी भी दुकान में, अगर उससे आप पूछोगे ना कि बेटा तेरे को सैलरी कितनी मिलती है, 2,500-3,000 रुपए। लेकिन वही ग्रेजुएट अगर लड़का आएगा ना, वो 2,500-3,000 रुपए में काम नहीं करेगा, वो मिनिमम कम से कम 15,000 से 20,000 मांगेगा। तो एक जो दुकानदार है वो क्या चाहेगा कि मुझे ऐसा वर्कर मिल जाए जो बहुत सारा पैसा मांगे, या मुझे ऐसा वर्कर मिले जो कम पैसे में मेरा काम कर ले। इसी कारण सस्ता श्रम, क्योंकि वो छोटे बच्चे रहते हैं, उनको पैसे का बस पैसा कमाना है, पर कितना चाहिए, कितना मिलना चाहिए ये उनको जानकारी नहीं रहती है, इसीलिए सस्ता श्रम। अच्छा, अगला होता है बच्चों का शोषण किया जाना। आप किसी भी ऐसे सेक्टर में चल दो जहां पर आपके 14-15 वर्ष से कम वाले बच्चे अगर काम करते हैं, वहां पर बच्चों को दिन रात पिरोया जाता है, इतना ज्यादा काम करवाते ना कि उनकी शारीरिक जो पोषण स्तर रहता है ना, वो एकदम गिर जाता है। और दिन भर काम करवाने के चक्कर में उन लोग आपका, हो सकता है आगे आपका नहीं सरवाइव कर पाए। और अंतिम होता है अशिक्षा। यदि माता पिता अशिक्षित है या बच्चा अशिक्षित है, तो दोनों कंडीशन में उसे आपका क्या करना पड़ता है, बाल श्रम। अगर वो पढ़ा लिखा रहता, अगर आप पढ़े लिखे हो, तो आप चाहोगे कि मैं अपने एटलीस्ट पढ़ाई के लेवल के हिसाब से आपका जॉब कर सकूं। लेकिन अगर वो कम पढ़ा लिखा है, तो उसको पहले से पता है कि मुझे कम सैलरी मिलेगी, मुझे कम पैसा मिलेगा, तो इसलिए वो कम पैसे में काम करने लग जाता है। ये बेसिकली जो बताया हूं, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, गरीबी, ये तो जनरल हर चीज में काम आएगा, लेकिन ये जो सस्ता श्रम है, अशिक्षा है और बच्चों का शोषण किया जाना, ये बाल श्रम के प्रमुख कारण के अंतर्गत आएंगे। अगला होता है इससे क्या दुष्परिणाम होंगे। सबसे पहला दुष्परिणाम कि बच्चों की मानसिक और शारीरिक विकास का ना हो पाना। वो छोटा सा बच्चा जिसको अभी पढ़ने जाना चाहिए या जिसे आपका भी खेलने कूदने जाना चाहिए, उसके ऊपर मानसिक प्रताड़ना यह होती कि अपने घर का पेट कैसे पालू, कैसे घर में 2 पैसे आए, कैसे कहां जाकर कमाऊं, यह उसका मानसिक प्रताड़ना का कारण बनता है बाल श्रम। शारीरिक कैसे होगा, शारीरिक ग्रोथ हो ही नहीं पाएगा जब इतना काम करेगा, क्योंकि एक तो अशिक्षित रहेगा, गरीब है, बेरोजगार है, तो उसके ऊपर मानसिक प्रताड़ना भी होती है और कैसी होती है, आपकी शारीरिक प्रताड़ना भी होती है। अगला होता है शिक्षा का स्तर निम्न हो जाना। जब खुद ही नहीं पढ़ा है, तो इन फ्यूचर जब अब उसकी शादी होगी, तो क्या अपने बच्चों को पढ़ाएगा क्या, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसके पीछे लिखाया हुआ है कि आप गरीब हो, आपको सस्ता श्रम में एकदम कम अमाउंट में आपको काम करना पड़ेगा, यह आपकी मजबूरी है। एक चीज याद रखना, गरीब के घर में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना गुनाह है। और यही उन लोग काम करते हैं कि गरीब के घर में पैदा हुए तो छोटे ही काम करेंगे, नहीं, आपको अपनी शिक्षा का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। यदि आपका शिक्षा का स्तर बढ़ा, तो आप इन सब दुष्परिणामों से अलग हो सकते हो, दूर भाग सकते हो। अंतिम, वयस्कों हेतु रोजगार के अवसर में कमी। वयस्कों के लिए रोजगार में कमी, मतलब चीजों को समझना कि ऐसा कोई एक सेक्टर है जहां पर कोई एक मालिक है, उसके पास 2 एम्प्लॉई आए, एक जो कम पढ़ा लिखा है लेकिन उसकी मजबूरी है जॉब करना, और एक जो है उसको तो जॉब मिल जाए तो भी ठीक, नहीं मिले तो दूसरी जगह जाएगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो क्या करेगा, एक अपनी एक उम्मीद रखेगा कि यार मुझे इतनी एटलीस्ट सैलरी मिलनी चाहिए, अगर उसको उतनी सैलरी मिली तो काम करेगा, नहीं मिली तो किसे मिल जाएगी वो जॉब, जो कम पढ़ा लिखा है, क्योंकि उसकी मजबूरी है जॉब करना। और दूसरी बात, अगर आप ऐसे सेक्टरों में जहां पर आपके कम पढ़े लिखों को कम रोजगार में, मतलब कम पैसों में यदि आप रोजगार दे देते हो, तो हमारे जो वयस्क हैं उनके लिए रोजगार कहां बसता है, नहीं बसता। तभी तो आप अभी देख रहे हो, एक पोस्ट निकलती है तो उसके पीछे आपका 100, 200, 300 कैंडिडेट खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन लोग चाहते हैं कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब, एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनूं। और यही मेहनत करना है आप लोगों को भी, कि आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके अपने पोस्ट को जल्दी पाना है। अगला होता है बाल श्रम हेतु करने क्या क्या उपाय किए गए। पहला, संवैधानिक उपाय,
एक तो बता चुका हूं अनुच्छेद आपका कौन सा 24। अगला होता है अनुच्छेद 21 ए, जिसमें यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है। अगर आप शिक्षा नहीं देते हो तो आपके खिलाफ जुर्म दर्ज हो सकता है। अगला होता है अनुच्छेद 39 ई, ये नया है। आप 24 जानते होंगे, 21 से ही जानते होंगे संविधान में जब पढ़ते हो तो। 39 ई क्या कहता है कि किसी भी पुरुष या महिलाओं को किसी भी कार्य में लगाया नहीं जाएगा तब तक जो उनकी आयु के अनुसार ना हो। मतलब आप किसी की आयु के अनुसार उसको पहले से कार्य नहीं दे सकते, अपने मन से भी नहीं दे सकते। अगर उसकी आयु प्रॉपर हो चुकी है, बाल श्रम से ऊपर हो चुकी है, तो आप उसको जॉब दे सकते हो, वरना नहीं। यह संवैधानिक उपाय है, कानूनी उपाय। 1979 में गुरुपद समिति का निर्माण हुआ था। यह गुरुपद समिति ने 1986 में बाल श्रम निषेध अधिनियम बनाया। 1979 में गुरुपद समिति आई, जिन्होंने 1986 में बाल श्रम निषेध अधिनियम बनाया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई बाल श्रम का उल्लंघन करता है तो उन्हें 3 माह की सजा, 3 माह से लेकर 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान, 10,000 रुपए से 20,000 रुपए का जुर्माना या दोनों। ये 1986 के प्रावधान के अंतर्गत रखा गया है। और समिति का नाम याद रखना गुरुपद समिति। कब निर्माण हुई थी? 1979। प्रावधान कब दिया था? 1986 में। 3 माह से 1 साल, 10,000 से 20,000 या दोनों। फिर उसी का संविधान संशोधन हुआ। और संशोधन में आया बाल श्रम अधिनियम 2016, ये पुराना, और ये भी लेटेस्ट कानून। बाल श्रम अधिनियम 2016, ये जो 3 माह से 6 माह था, वो सॉरी 3 माह से 1 साल था, वो 6 माह से 2 साल हो गया, जस्ट डबल। जो 10,000 से 20,000 था, वो 20,000 से 50,000 हो गया। बस दोनों चीजों को याद रखना है, 3 माह से 1 साल, 10,000 से 20,000 या दोनों। दूसरा, अगर 2016 के बाल श्रम अधिनियम के तहत अगर देखोगे तो 6 माह से 2 साल, 20,000 से 50,000 या दोनों। और एक अंतिम सरकारी उपाय किया गया था 14 अगस्त 1987 में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा बाल श्रम निषेध नीति 1987 पारित की गई थी। और विभिन्न कुछ संस्थाएं हैं, चाहे विश्व स्तर पर देखो, चाहे आपका राष्ट्रीय स्तर पर देखो, चाहे राजकीय स्तर पर देखो, विश्व स्तर पर एक समिति का निर्माण किया गया था, जिसका नाम क्या था आपको ये यूनिसेफ, ये आपको याद रखना है। विश्व स्तर पर जो बच्चों को बाल श्रम को जो बढ़ावा देते उनके खिलाफ जो एक संस्था का निर्माण किया गया था, उसका नाम क्या था आपका? यूनिसेफ, जिन्होंने विश्व स्तर पर बाल श्रम को नियंत्रित करना उनका कार्य था। और इन्हीं के द्वारा 12 जून को प्रति वर्ष 12 जून को आपका विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। हमारे यहां 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। ये याद रखना, दोनों अलग अलग चीज है भाई। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, चाचा नेहरू के हैप्पी बर्थडे के दिन। और विश्व स्तर पर विश्व बाल दिवस का मनाया जाता है, याद रखिएगा, 12 जून को मनाया जाता है। एक डेट और याद रखना आपका, 20 नवंबर को बाल अधिकार संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को बाल अधिकार संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये तीनों चीज को याद रखना, बाल अधिकार संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये 3 डेट, 14 नवंबर मेरे ख्याल से सबको याद होगा, चाचा नेहरू जी के हैप्पी बर्थडे आपका मनाया जाता है। और इस बार 2023 में इसकी एक थीम रखी गई। अभी 2024 का नवंबर तो आया नहीं है, और इस बार 2023 में इसकी थीम रखी गई थी, हर बच्चे के लिए हर अधिकार, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। ये थीम को याद रखिएगा। वैसे भी आपका एग्जाम 20 नवंबर से पहले हो जाएगा,
तो 20 नवंबर 2023 को जिस दिन बाल अधिकार संरक्षण दिवस मनाया गया, वो बाल अधिकार संरक्षण दिवस का थीम क्या था? हर बच्चे के लिए हर अधिकार। इसको याद रखिएगा, नया जोड़ रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। अगली चीज को याद रखना है, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय मतलब भारत के स्तर पर राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण, जिसका गठन कब हुआ था? 26 सितंबर 1996, जिसका मुख्यालय आपका कहां पर है? नई दिल्ली, एक संस्था। दूसरा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसका गठन हुआ था 5 सितंबर 2007। किस अधिनियम के प्रावधान के तहत हुआ था? तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत। आराम से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये डेटा है, समय लगता है याद करने में। आपने संस्थाओं के बारे में पढ़ना चालू किया, पहले विश्व स्तर पर, फिर राष्ट्र के स्तर पर। विश्व स्तर पर यूनिसेफ, जो कि बाल श्रम को नियंत्रित करने के लिए पूरे विश्व स्तर पर कार्यक्रम करती है, और उन्हीं के कारण कहना चाहिए कि हर साल 12 जून को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। तो दो डेटा और पढ़ लो, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है भारत में, और 20 नवंबर को बाल अधिकार संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जिसकी 2000 की थीम थी हर बच्चे के लिए हर अधिकार। ये हो गया विश्व स्तर पर, खत्म। राष्ट्रीय स्तर पर दो संस्था, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण, उन्मूलन मतलब टोटली तरीके से समाप्त करना, जिसका गठन हुआ था 26 सितंबर 1996 में, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और दूसरा हुआ था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 5 सितंबर 2007 को। किस प्रावधान के तहत हुआ था? तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत, जिसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य रहेंगे, और जिनका नियुक्ति कौन करता है? तुम्हारे केंद्र सरकार। और जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्री यांग का नू न गो, प्रियांक कानूनगो, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के वर्तमान आयोग है। प्रियांक कानूनगो को याद रखना। उसके बाद राज्य स्तर, चूंकि हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं इसलिए राज्य स्तर पर भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हुआ था आपका 2009 में, और जिसके वर्तमान अध्यक्ष ये हट गई है जब आपके भूपेश जी आए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, जब भूपेश जी आए तो उन्होंने कुछ इसमें चेंजेस किया, उम्र कर दी, मतलब उन्होंने ये प्रावधान रखा कि भाई इसके जो अध्यक्ष बनेंगे उनको एटलीस्ट 8वीं पास होना चाहिए, ये उन्होंने चेंज किया, और उनकी उम्र कम से कम 66 वर्ष की होनी चाहिए। और जिसके तहत जो इसके वर्तमान अध्यक्ष बने उनका नाम था तेज राम कुंवर, तेज राम कुंवर नेताम, तेज राम कुंवर नेताम को आपको याद रखना है। तो इतनी चीजों को आपको किसके अंतर्गत याद रखना है? आपके बाल श्रम के अंतर्गत। इसके बाद कल पढ़ाऊंगा आपको चोरी, उसके बाद नशाखोरी, धूम्रपान। तो आज की क्लास को इतना ही रहने देता हूं। इसके पीछे कारण यह है कि मेरा उद्देश्य है कि रोज एटलीस्ट 2 टॉपिक हो सके। तो देखो, कल क्या हमने 2 टॉपिक कवर किया, एक परिवार और एक बाल विवाह। आज हमने 2 टॉपिक कवर किया, बाल श्रम और आपका कौन सा, दहेज प्रथा। तो ये दोनों टॉपिक को दो दो करके, क्योंकि एक साथ अभी भी मेरे पास समय है, लेकिन एक साथ इसलिए नहीं करवा रहा हूं, ज्यादा हो जाएगा। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, सही बोले प्रकाश टंडन जी, तेज कुंवर नेताम है, सॉरी सुधार लीजिएगा, तेज कुंवर नेताम जी है।
ठीक बोले, धन्यवाद। तेज कुंवर नेताम जी है। तो इतनी चीजों को आप लोग याद रखिएगा, बाकी क्लास करेंगे कल। लेकिन मेरी आपसे पर्सनली एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप जितना हो सके उतना ज्यादा बार देखें, ताकि जब तक सुनोगे और देखोगे उतना जल्दी और अच्छे तरीके से याद होगा। चलिए बाकी क्लास करेंगे कल, तब तक के लिए अपन मिलते हैं।